पता भी है तुम्हें क्या हो रहा है? मना लिया है अनिरुद्ध ने त्रिलोचन दा को बोंदिता को पढ़ाने के लिए। मास्टर आ रहा है 3 बजे बोंदिता को पढ़ाने के लिए। बताने के लिए शुक्रिया, पर अभी मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, वो जो लाल कुएं के पास रहती है, घोष बाबू की बेटी। सहेली से मिलने जा रही हो तुम? सुदामिनी, तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? हर दिन अनिरुद्ध अपनी जिद को लेकर एक कदम आगे बढ़े जा रहा है, और तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट छाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं है कि तुमने हार मान ली है अपनी? ऐसे 10 दिनों में तुम्हें लगता है कि तुम शादी कर पाओगी? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जैसा अनिरुद्ध चाहता है वैसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। अनिरुद्ध को जीतना चाहती हूँ मैं, तो क्या मैं हार मान सकती हूँ भला? आप बस बोंदिता को संभालिए, अनिरुद्ध को मैं संभाल लूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप आराम से बैठकर अपनी इंग्लिश टी की चुस्कियां लीजिए बिनॉय अंकल, क्योंकि जल्द ही आपको मेरे धमाके की गूंज सुनाई देगी। अब अकेले प्रसाद कैसे बनाऊं मैं? परी दीदी होती तो अच्छे से बता देती मुझे कि प्रसाद कैसे बनाना है। बाहर सलेट पे चाक कोई भी घिसवा ले तुमसे, पर यहां रसोई घर में तो हम ही मास्टर हैं तुम्हारे। हम सिखाएंगे तुम्हें कि कुशल गृह लक्ष्मी कैसे बनना है। ठीक कैसे नहीं, आप खुद रसोई के बाहर बैठे रहेंगे तो कैसे सिखा पाएंगे आप मुझे काका ससुर जी? अंदर क्यों नहीं आते आप रसोई के? इतनी छोटी सी है बोंदिता, पूरी रसोई थोड़ी ना घेर लेगी कि आपके लिए जगह ही ना बचे। हम कैसे आ सकते हैं अंदर? चल कर। ये जो खीसा निपोर रहे हो ना, 32 ही दिखा रहे हो, ज्यादा दिखाओगे तो 32 में से 16 ही बचेंगे बस। अरे हम इसलिए रसोई में नहीं आएंगे क्योंकि आदमियों का रसोई में आना शोभा देता है क्या? अरे ये सब रसोई चूल्हा चौका औरतों के लिए है। रसोई में आना आदमियों को शोभा नहीं देता? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले खाने की थाली घर के आदमियों को ही परोसी जाती है? खाना औरत बनाती है पर बहलाने वाला आदमी खाते हैं। मेहनत से स्वादिष्ट खाना औरत बनाती है पर उंगलियां चाट चाट कर पहले आदमी ही क्यों खाते हैं? औरतों को अपनी थाली में बचा हुआ खाना खाने को क्यों कहा जाता है? चुप चुप, इतने बेतुके सवाल इसके दिमाग में आते कहाँ से हैं? पति बाबू कहते हैं कि उनकी किताब से सब कुछ जान सकते हैं। पता करें उनकी किताब में देख कर कि कैसे आते होंगे ये सवाल मेरे दिमाग में। खबरदार जो किताबों का नाम लिया तो। पहले रसोई घर का काम सीखो, उसके बाद किताबें बांचना। और हाँ, रसोई में आने से पहले दिमाग बाहर रख के आना कल से। बिहारी। मालिक। चलो अब शुरू होता है गृह लक्ष्मी बनने का पहला अध्याय। बिहारी, अब हम जिस मसाले का नाम लेंगे उसे उठाना है तुम्हें और दिखाना है। तेज पत्ता। पति बाबू,
अब किधर ढूंढूं मैं उनको? एक वही तो है जो मेरे हर दुविधा का हल करते हैं। अहो, बन गई लुची। ये क्या है बिहारी? मालिक, इससे पहले आप हमें मुर्गा बना दे, हम खुद ही मुर्गा बन गए। तुरंत रसोई में आओ। क्या है ये? मुर्गा। अरे ये नहीं, ये लूची का आटा। ये ऐसे बनाया जाता है लूची का आटा? बड़े मालिक, हम तो कह रहे थे बहुरानी जी से कि आटे में पानी थोड़ा कम डालिए, थोड़ा संभालिए, पर मालिक आप तो जानते ही हैं कि बहुरानी कितना शरार, मतलब भोली है। अरे बाबू झूठ क्यों बोल रहे हैं? मजाक लग रहा है ये सब? शरारत करनी है क्या? क्या सोच रही हो कि ऐसे काम करोगी तो तुम्हारा खाना बनाने का काम नहीं देंगे हम? बच जाओगी तुम। छोड़ देंगे कुशल गृहिणी बनाना तुम्हें? या अनिरुद्ध ने कहा है तुम्हें ऐसा करने को ताकि तुम पढ़ने लिखने के बारे में सोचो। मैं तो बस काका ससुर से बस एक शब्द भी और नहीं। कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें घर के काम की कीमत समझनी होगी। कहाँ रखी तुमने किताब? जी वो किताब मुझे ना हिचकी आई थी, उसके बाद मैं पानी पीने के लिए रसोई में आई थी, होना तो यही चाहिए। तुम दोनों यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हो? जी माँ, वो कि कुर्ता मेरे कुर्ते का बोताम कहीं गिर गया है, वही ढूंढ रहे हैं। कुर्ते का बोतम यहाँ रसोई घर में कैसे गिरेगा? बाहर जाकर देखो, बाहर गिर गया होगा। वो किताब किसी के हाथ लग गई तो तूफान आ जाएगा। तूफान आ जाएगा अगर ऐसी बुरे चित्र वाली किताब विराज माँ ने देख ली तो। अरे वो किताब, बेटा मैं क्या कह रही थी, तू ना कोशिश करना कि बहू हमेशा खुश रहे। इस समय बहू का खुश रहना बहुत जरूरी है। देख क्या है, अगर बहू हमेशा खुश रहेगी तो बच्चा ना हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा, और अगर बहू नहीं खुश रहेगी तो बच्चा रात भर रोता रहेगा। हाँ हाँ माँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही संपूर्णा का ध्यान रखता हूँ और उसे उपहार भी देता हूँ। सौरभ। अरे ससुर जी, घर में तो झंडे गाड़ दिए, अब थोड़ा बाहर के काम में भी फुर्ती दिखाओ। इन्हीं के पल्लू से ही बंधे रहोगे कि काम पे भी जाओगे? बस बाबा, आप जा ही रहा हूं। मैं आपको छाता दे देती हूँ, आइए दरवाजे पर ही है। ले ली ना किताब? हाँ ले ली। कहाँ है? मैंने तो यही रखी थी, यही फेंक के गई थी मैं। यही रखी थी मतलब पाँव होते क्या किताब के? वो किताब किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा गंडगोल हो जाएगा आज, तूफान आ जाएगा घर पर।